नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 27 न्यूज और मैं हूं आपके साथ आर्या चतुर्वेदी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से। राजस्थान दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। करौली धौलपुर में जनसभा को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करेंगे। राजस्थान के बाद उत्तराखंड जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऋषिकेश में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे पीएम मोदी। तो आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार अलग अलग राज्यों के दौरे पर है और इसी कड़ी में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दो राज्यों की जनता को साधेंगे। दरअसल पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान जाएंगे और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड के लिए रवाना होंगे। तो राजस्थान की बात की जाए, करौली धौलपुर ये वो जिले हैं जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनता को संबोधित करेंगे और तमाम तैयारियां बीजेपी के प्रत्याशियों की तरफ से कर ली गई हैं। अगर बात सुरक्षा की जाए तो सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार अलग अलग राज्यों के दौरे कर रहे हैं और लगातार उनके तरफ से जनता से रूबरू होने का जो सिलसिला है वो जारी है और इसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दो राज्यों की जनता को साधने की कोशिश उनके तरफ से की जाएगी। पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान जाएंगे और यहाँ पर दो जिले वो हैं जहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनता को संबोधित करेंगे, जनसभा को संबोधित करेंगे और अपने प्रत्याशी के समर्थन में वोट देने की अपील जनता से की जाएगी। करौली और धौलपुर ये वो जगह हैं जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसभा को संबोधित करेंगे और इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड के लिए रवाना होंगे। तो उत्तराखंड में भी जनता को साधने की कोशिश बीजेपी के तरफ से लगातार जारी है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये दौरे बेहद अहम हो जाते हैं। राजस्थान की बात की जाए तो राजस्थान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दूसरी बार पहुंचेंगे। यहां पर उनके तरफ से जनता को साधने की कोशिश की जाएगी और लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी धरातल पर है, 24 का रण सज कर तैयार है और चुनाव प्रचार की जो कमान है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने हाथों में ले रखी। लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अलग अलग राज्यों की दौरे कर रहे हैं, चाहे फिर उत्तर भारत की बात कर ली जाए या दक्षिण भारत की बात कर ली जाए, ये लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अलग अलग राज्यों में जाकर जनता को संबोधित कर रहे हैं। जनता से रूबरू होने का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है और यही बड़ी वजह मानी जा रही, क्योंकि बीजेपी ने 400 पार का नारा दिया है और 400 पार करने की जो कवायद है, पूरा करने की कवायद है, वो बीजेपी की तरफ से लगातार जारी है। तमाम वो दिग्गज नेता धरातल पर हैं, चाहे फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात कर ली जाए, जेपी नड्डा की बात कर ली जाए, गृह मंत्री अमित शाह की बात कर ली जाए और उत्तराखंड के सीएम हो या फिर उत्तर प्रदेश के सीएम हो, लगातार वो तमाम कद्दावर नेता धरातल पर हैं। जनता से रूबरू होने का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है। तमाम जनसभाएं और रैलियां बीजेपी की तरफ से की जा रही है और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड के साथ साथ राजस्थान, ये दो राज्य हैं जहां पर दो राज्यों की जनता को साधने की कोशिश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज करेंगे। राजस्थान में सुरक्षा के तमाम पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और बात अगर बीजेपी के कार्यकर्ताओं की जाए, तमाम तैयारियां बीजेपी के कार्यकर्ताओं की तरफ से की गई है। एक अलग सा उत्साह कार्यकर्ताओं में देखने को मिल रहा है। तो आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान और उत्तराखंड दो राज्यों के दौरे पर रहेंगे आज। और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बुधवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को पत्र लिखकर सैनिक स्कूलों के निजीकरण के केंद्र सरकार के फैसले पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि एनजीओ और प्राइवेट संस्थानों के साथ पार्टनरशिप मोड में सैनिक स्कूलों को चलाने का जो सरकार का फैसला दिखता है वो कि सरकार इन स्कूलों का राजनीतिकरण करने की कोशिश कर रही है और इस फैसले को तुरंत वापस लिया जाना चाहिए। तो आपको बता दें कि कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को एक पत्र लिखा है और उनके तरफ से मांग की गई है कि जो सैनिक स्कूलों का एनजीओ और प्राइवेट संस्थानों के साथ निजीकरण, उनके साथ जो पार्टनरशिप की फैसला सरकार की तरफ से लिया गया है वो कहीं ना कहीं राजनीतिकरण करने की कोशिश की जा रही है। तो उनके तरफ से आरोप लगाया गया है कि सैनिक स्कूलों का निजीकरण करने से रोका जाए, जो सरकार ने फैसला लिया है वो बेहद गलत है। उनका कहना है कि ये राजनीतिकरण करने की कोशिश सत्ता पार्टी की तरफ से की जा रही है, सरकार की तरफ से की जा रही है, जिसको रोक की मांग उन्होंने की है और
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को एक लेटर उनके तरफ से लिखा गया है, जिसमें मांग की गई है कि इसे रोकने की कोशिश की जाए, क्योंकि इससे लोकतंत्र पर बड़ा प्रभाव पड़ सकता है। तो उनका कहना है कि सैनिक स्कूलों का निजीकरण ना किया जाए, इससे लोकतंत्र कमजोर होगा, इस पर प्रभाव पड़ेगा। और ये मांग मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से की गई है। कांग्रेस के अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, उन्होंने एक लेटर लिखा है। ये पत्र राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को लिखा गया है। इसमें मांग की गई है कि सैनिक स्कूलों का जो निजीकरण किया जा रहा है, उस पर रोक लगाई जाए। जो सैनिक स्कूलों को एनजीओ और प्राइवेट संस्थानों के साथ मर्ज किया जा रहा है, उनके साथ पार्टनरशिप करने की कोशिश, जो फैसला सरकार की तरफ से लिया गया है, वो गलत है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं एक तरह से राजनीतिकरण करने की कोशिश सरकार की तरफ से की गई है। ये तमाम आरोपों के साथ एक पत्र मल्लिकार्जुन खड़गे ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को भेजा है, जिस पर उन्होंने मांग की है कि सैनिक स्कूलों का निजीकरण रोका जाए। तो आपको बता दें कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक पत्र लिखा है और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के नाम ये पत्र उनके तरफ से भेजा गया है, जिसमें उन्होंने मांग की है कि सैनिक स्कूलों का निजीकरण करने का जो फैसला सरकार ने लिया है, उस पर रोक लगाई जाए, क्योंकि इससे लोकतंत्र कमजोर होगा। उनका आरोप है कि सरकार ने जो फैसला लिया है कि सैनिक स्कूलों को एनजीओ और प्राइवेट संस्थानों के साथ पार्टनरशिप करवाई जाएगी, वो कहीं ना कहीं राजनीतिकरण दर्शाता है। ये आरोप मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से लगाए गए हैं और उन्होंने मांग की है कि इसे रोकने की कोशिश की जाए, क्योंकि इससे लोकतंत्र पर बड़ा प्रभाव पड़ेगा, लोकतंत्र को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। तो आपको बता दें मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक लेटर एक पत्र लिखा है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को, जिसमें मांग की है कि सैनिक स्कूलों का निजीकरण रोका जाए। सरकार ने जो फैसला लिया है वो गलत है, और उनका कहना है कि सरकार ने जो सैनिक स्कूलों को एनजीओ और प्राइवेट संस्थानों के साथ पार्टनरशिप करवाने का जो फैसला किया है, उससे लोकतंत्र पर प्रभाव पड़ेगा, लोकतंत्र कमजोर होगा, और ये कहीं ना कहीं एक राजनीतिकरण करने की कोशिश है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कठुआ में रैली को संबोधित किया। सीएम योगी के भाषण को सुनने के लिए हजारों की तादाद में लोग पहुंचे थे। रैली को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने कहा कि देश में 140 करोड़ लोगों में से 80 करोड़ लोगों को 4 साल से फ्री राशन की सुविधा मिल रही है और अगले 5 साल तक फ्री में राशन की सुविधा फिर से जारी रहने वाली है। दूसरी तरफ साल 1947 में भारत से अलग हुआ पाकिस्तान भीख का कटोरा लेकर दुनिया भर में भीख मांगता हुआ नजर आ रहा है। आज आप देख रहे होंगे बदलते हुए भारत को, ये जो नया भारत है, बहनों और भाइयों, इस नए भारत को आज आप देख रहे होंगे, एक भारत श्रेष्ठ भारत। इस भारत में भारत के 140 करोड़ लोगों का सम्मान भी है। दुनिया के अंदर आज भारतवासी कहीं भी जाता है, लोग बड़े सम्मान के साथ उसकी ओर देखते हैं। आज भारतवासी दुनिया के अंदर सम्मान प्राप्त कर रहा है। आज सीमाएं भी सुरक्षित हुई हैं। ऐसा नहीं कि अब कोई पाकिस्तान का व्यक्ति कोई घुसपैठ करके हमारी सुरक्षा में सेंध लगाएगा, नहीं लगा सकता। अगर कहीं एक पटाखा भी फूट जाए ना, तो पाकिस्तान अब सफाई देता कि नहीं, मेरा इसमें हाथ नहीं है। क्योंकि उसे मालूम है अगर कुछ हो गया तो फिर उसको लेने के देने पड़ेंगे। और बहनों भाइयों, जब एक मजबूत सरकार होती है तो ऐसे होता है, सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था। कश्मीर में धारा 370 समाप्त करके यहां के आतंकवाद की समस्या का समाधान, देश के अंदर नक्सलवाद की समस्या का भी समाधान हो गया। और अब की बार 400 पार अभियान में बीजेपी का बूथ संपर्क अभियान चला है। अब यह अभियान प्रयागराज के स्थानीय निकाय प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष पार्षद मयंक यादव ने शुरू किया है। और इस अभियान के तहत लोगों के घर घर जाकर मोदी की गारंटी और सरकार की उपलब्धियों की चर्चा
की जा रही है। तो आपको बता दें कि बीजेपी की तरफ से लगातार तमाम अभियान चलाए जा रहे हैं और लगातार जनता से रूबरू होने के जो सिलसिला है वो जारी है। घर घर मोदी की गारंटी पर चर्चा की जा रही है और बूथ संपर्क अभियान प्रयागराज में शुरू किया गया है। यहाँ पर जो कार्यकर्ता हैं बीजेपी के वो घर घर जाकर मोदी की गारंटी से लोगों को रूबरू करवा रहे हैं और मोदी की गारंटी पर चर्चा उनके तरफ से की जा रही है। तो आपको बता दें कि बीजेपी लगातार तमाम वो अभियान चला रही है जिससे बूथ स्तर तक को मजबूत किया जाए और बूथ संपर्क अभियान भी बीजेपी की तरफ से शुरू किया गया है। इसमें कार्यकर्ता हर घर जाकर मोदी की गारंटी बीजेपी की गारंटी पर चर्चा कर रहे हैं। तमाम उन योजनाओं पर उनकी जानकारी जनता को दी जा रही है। तो आपको बता दें कि प्रयागराज में इस अभियान की शुरुआत हुई है और ये कार्यकर्ता जो बूथ स्तर के कार्यकर्ता हैं वो लगातार घरों में जाकर हर घर में जाकर बीजेपी की गारंटी और मोदी की गारंटी पर चर्चा कर रहे हैं, जनता को रूबरू करवा रहे हैं, लोगों को उससे अवगत करवा रहे हैं कि बीजेपी की तरफ से क्या क्या गारंटी दी गई है और किन किन योजनाओं को लेकर बीजेपी की तरफ से काम किया गया है। ये तमाम जानकारियाँ जनता तक पहुँचाने का और जनता तक रूबरू करवाने का जो सिलसिला है वो बीजेपी की तरफ से जारी है और लगातार तमाम अभियान बीजेपी की तरफ से शुरू किए गए हैं जिसमें जनता तक पहुंचने का जो सिलसिला है वो जारी है और तमाम कार्यकर्ता धरातल पर हैं। चाहे फिर दिग्गज नेताओं की बात कर ली जाए या वो तमाम बूथ स्तर तक के कार्यकर्ता धरातल पर हैं और हर घर जाकर जनता से रूबरू होने का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है। तमाम योजनाएं जो सरकार की तरफ से या तो कर दी गई हैं या आगे आने वाले समय में की जाएंगी, इन तमाम योजनाओं को लेकर जनता तक पहुँचने का सिलसिला बीजेपी के कद्दावर नेताओं से लेकर कार्यकर्ताओं तक का जारी है। और बात अगर प्रयागराज की करें तो प्रयागराज में बूथ संपर्क अभियान शुरू किया गया है। जो बूथ स्तर के कार्यकर्ता हैं वो लगातार घर घर में जाकर मोदी की गारंटी पर चर्चा कर रहे हैं, आम लोगों को उससे रूबरू करवा रहे हैं और तमाम उन गारंटियों को जनता के सामने रखा जा रहा है। या तो वो गारंटी हो चुकी है या ये वो योजनाएँ सरकार ने कर दी हैं या आने वाले आगे समय में करने की कोशिश की जाएगी। तो हमको आपकी 370 प्लस करना है, तो हमारा ये लक्ष्य है। इस लक्ष्य को लेते हुए हम अपने वार्ड में अपने बूथ संख्या 329 पर लोगों से संपर्क कर रहे हैं और उनसे उनकी राय ले रहे हैं कि इस भारतीय जनता पार्टी और आगामी लोकसभा चुनाव में आपका क्या राय है, आप किस विचारधारा को पसंद करेंगे, आप विकास की धारा को पसंद करेंगे या राष्ट्रवाद की पसंद करेंगे या जातिवाद को पसंद करेंगे। तो ये जनता की मैं बीच से संपर्क करके उनसे उनका विचार विमर्श कर रहा हूँ और राय ले रहा हूँ कि आप राष्ट्रवाद के प्रति अगर करेंगे और विकास के प्रति करेंगे तो आपको कौन सी पार्टी का रुचि आप में है। तो लोगों का ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी जब से आई है, पहली बात तो हम लोग भयमुक्त हुए हैं, गुंडा माफियावाद ये सब खत्म हुआ है। हम लोग कहीं भी रात विरात महिलाएँ बच्चे पुरुष बुजुर्ग कहीं भी आ जा सकते हैं, कोई हमसे गुंडागर्दी करने नहीं आ रहा है, टैक्स वसूले नहीं करने आ रहा है। तो हम लोग राष्ट्रवाद के प्रति प्रेरित हैं, हम सभी हिंदुस्तानी और स्वयं हम लोग भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में हम लोग जनता से ये राय लेना चाहते हैं कि आप किस उद्देश्य से भारतीय जनता पार्टी को करना चाहते हैं। और लोकसभा चुनाव के मद्देनजर सीधी लोकसभा के अंतर्गत ब्यौहारी विधानसभा में 11 अप्रैल यानी कि आज मुख्यमंत्री मोहन यादव जनसभा को संबोधित करेंगे। बता दें कि ये मुख्यमंत्री का पहला ब्यौहारी दौरा होगा और मुख्यमंत्री मोहन यादव के आगमन को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं में काफी जोश देखा जा रहा है। कार्यकर्ताओं और नगर विधानसभा क्षेत्र में हल्दी चावल बांटकर लोगों को सभा में आने के लिए आमंत्रित किया जा रहा है और इसके पहले सीएम के आगमन को लेकर प्रशासन ने भी सुरक्षा के तमाम इंतजाम किए हैं। तो आपको बता दें कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ब्यौहारी दौरे पर हैं, यहाँ पर तमाम तैयारियां कर ली गई हैं, सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और कार्यकर्ताओं में एक अलग सा जोश देखने को मिल रहा है। तो आपको बता दें कि लगातार एक तरफ चुनावों की तारीखों का ऐलान, 24 करण फर्स्ट के तैयार है और तमाम बीजेपी के दिग्गज नेता धरातल पर हैं। और मंडला लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी फगन सिंह
पुलस्ती के पक्ष में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने जनसभा की और इस दौरान मध्य प्रदेश शासन के मंत्री प्रहलाद पटेल सहित भाजपा जिला अध्यक्ष अभिलाष मिश्रा, तेंदुखेड़ा विधायक विश्वनाथ सिंह और गोटी गांव विधायक महेंद्र सिंह भी मंच पर मौजूद रहे। और वहीं मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि देश की आजादी के साथ झूठ बोला कांग्रेस ने और देश का बंटवारा कर दिया है। कुर्सी के लिए देश का बंटवारा हो गया, एक निर्णय देश के लिए भारी पड़ा, देश ने लोगों की मौत से उसकी कीमत चुकाई। साथ ही मोहन यादव ने कहा कि कांग्रेस ने भगवान राम के होने का प्रमाण मांगा था और जनता कांग्रेस को प्रमाण जरूर देगी। मौज करने के लिए, अपने ढंग से काम करने के लिए, जनता को मूर्ख बनाने के लिए होंगे कोई और, ये उनको मुबारक जिनकी जिंदगी में इस प्रकार की घटनाओं के आनंद है। उन पार्टियों के नाम आप सब जानते हैं, वो कांग्रेस पार्टी सहित विपक्ष के कई सारे लोग जो हमेशा अपनी बात को घुमा घूम के कहते हैं, झूठ बोलते हैं और शुरुआत वहां से करते जो कभी जीवन में उनको करना नहीं, एक बार नहीं दो बार नहीं, उनके पूरा चरित्र देख लो उठा कर, पूरा चरित्र। बात काहे की करेंगे, करेंगे क्या, जो बोलेंगे हमेशा झूठी बोले, सच बोलने का काम ही नहीं। आप बताओ, देश की आजादी के साथ बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है, हम तो नहीं थे, जनसंघ तो नहीं था, भाजपा तो नहीं थी, जनता पार्टी भी नहीं थी, लेकिन यूथ कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और झाबुआ विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस विधायक डॉक्टर विक्रांत भूरिया का यूथ प्रदेश अध्यक्ष छोड़ने के बाद बयान भी सामने आया। भूरिया ने कहा कि मैं अपने गृह जिला क्षेत्र और लोकसभा क्षेत्र में सक्रिय होना चाहता हूं, जहां तक चुनाव आयोग के द्वारा FIR करने की बात कही गई है तो मैं ऐसी FIR से डरने वाला नहीं हूं। जो घटना घटी है वो सत्य है, नागर सिंह चौहान को इसका जवाब देना होगा। तो आपको बता दें कि बूथ स्तर का पद छोड़ने के बाद उनके तरफ से कहा गया है कि वो विधानसभा और लोकसभा क्षेत्र में खुद को मजबूत करना चाहते हैं और उन्होंने इसके साथ कहा जो मेरे ऊपर FIR दर्ज की गई मैं उससे डरने वाला नहीं हूं। डॉक्टर विक्रांत भूरिया का बयान सामने आया, उन्होंने कहा कि वो ऐसी FIR से डरते नहीं है, जनता के बीच में जाएंगे, अपने लोकसभा अपने विधानसभा क्षेत्र को और भी मजबूत करना चाहते हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि नागर को जवाब देना होगा। आड़ा से सारे पेड़ गायब कैसे हो गए, जब जो शराब माफिया राज है उनकी देन है, जो रेत माफिया राज है अलीराजपुर में उनकी देन है, जो वन मंत्री होने के बाद भी कठियावाड़ा से सारे पेड़ गायब कैसे हो गए, जब पहले उन पर उनके परिवार पर पूरे पेड़ काटने के बहुत सारे आरोप लगे हैं, जंगल साफ करने के आरोप लगे हैं, बीजेपी ने उनको ही वन मंत्री बना दिया, तो कहाँ जंगलों की रखवाले, जब चोर के हाथ में ही चाबी दे दोगे तो वन कहाँ से बचेंगे। और ये मैं वापस से पुख्ता तरीके से बोल रहा हूँ, और ये जो FIR की ये धमकी दे रहे हैं, FIR कर रहे हैं, उससे मैं डरने वाला नहीं हूँ, क्योंकि अगर सच बोलने के लिए भी FIR होती तो FIR झेलने के लिए मैं तैयार हूँ। और इसके बाद भी ये बार बार बोलूँगा, नागर सिंह जी के हाथ में है, इस चीज़ का प्रमाणित करें। जो सिद्धेश्वर राजवाड़ा हनुमान मंदिर में जो कत्लेआम हुआ था, क्या उनके परिवार के लोगों का उसमें नाम नहीं आया था, वो आरोपी नहीं बने थे, जेल भी गए थे, उसके बाद डरा धमका कर गवाहों को परिवर्तित कर देना, उनको चुप करवाना, ये तो उनकी कला है और ये अलीराजपुर अच्छी तरह से जानता है। जो शराब माफिया राज है उनकी देन है, जो रेत माफिया राज है। 2024 के चुनाव को लेकर सभी पार्टियां जोरों शोरों से तैयारी में लगी हुई हैं। वहीं अलीगढ़ के अंदर गठबंधन प्रत्याशी के चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी के द्वारा अलीगढ़ के जिला अध्यक्ष और महानगर अध्यक्ष को बदलकर नए चेहरे को बनाया गया है और उसको जिम्मेदारी दी गई है। वहीं कांग्रेस जिला अध्यक्ष ने कहा कि हमें हाई कमान ने नवनियुक्त जिला अध्यक्ष ठाकुर सोमवीर सिंह को चुनाव के समय जिला अध्यक्ष बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। वहीं उन्होंने कहा कि चुनाव गठबंधन प्रत्याशी को हर हाल में जिताना है। वहीं पूर्व हरियाणा प्रभारी विवेक बंसल ने कहा कि जिस तरीके से मौजूदा सरकार नारा दे रही है कि अब की बार 400 पार यानी कि मुंगेरी लाल के हसीन सपने, ये जो भी कभी पूरे नहीं होते हैं। वहीं उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी का हर कार्यकर्ता गठबंधन प्रत्याशी को जिताने में लगा हुआ है और हर वर्ग हर समाज के लोग हमारे साथ हैं।
एमपी के खंडवा से अंधविश्वास का एक मामला सामने आया है, जब चमगादड़ का उपयोग कर धन की प्राप्ति की बात कही जा रही है। और बता दें कि धन प्राप्ति की बात करने वाले आरोपी तांत्रिक चमगादड़ को कार से ले जा रहे थे और इस बीच वन विभाग की टीम ने उन्हें पकड़ लिया है। वन विभाग ने 4 आरोपियों की गिरफ्तारी की और इनके पास से 5 चमगादड़ बरामद किया है और इन पर वन्य प्रणाली अधिनियम के तहत कार्रवाई कर इन्हें जेल भेज दिया गया है। और खंडवा में रविवार को हनुमंतिया टापू बैग वाटर में 4 युवकों के डूबने की झूठी सूचना सामने आई थी और अब छानबीन के बाद ये पता चला कि झूठी सूचना देने वाले एम्बुलेंस के ड्राइवर और अटेंडर ही थे। पुलिस ने झूठी खबर फैलाने के आरोप में 108 एम्बुलेंस के 2 अटेंडर और 2 ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि रविवार सुबह 11 बजे आपातकालीन 108 पर सूचना आई थी कि हनुमंतिया टापू में इंदिरा सागर बांध के बैक वाटर में 4 लोग डूब गए हैं। सूचना पाते ही जावर और खंडवा से 2 108 एम्बुलेंस घटनास्थल पर रवाना हुई। मौके पर पुलिस और एनडीआरएफ की टीमें भी पहुंची और लगभग 6 घंटे सर्चिंग करने के बाद भी कुछ नहीं मिला। तब पुलिस ने कॉल करने वाले को रिटर्न कॉल किया लेकिन मोबाइल फोन बंद था, जिसके बाद पुलिस ने इस मामले की जांच शुरू कर दी थी। सात तारीख की ये घटना है। 7 तारीख को सुबह लगभग 11 बजे के आसपास पुलिस को सूचना प्राप्त हुई डायल 100 के माध्यम से कि हनुमंतिया में 4 लोग जो है डूब के उनकी मृत्यु हो गई है। इस संबंध में तत्काल पुलिस सक्रिय हुई और कई सारी टीम रवाना की। पहले हनुमंतिया टापू का वहाँ पर पता किया तो वहाँ पर पता लगा कि वहाँ कुछ भी नहीं हुआ है। इसके बाद सिंगा जी के वहाँ भी पता किया, बहुत जो है एफर्ट्स किए। झूठी घटना लगी तो पुलिस तह तक गई इसमें और पता किया तो इसमें ये समझ में आया कि 108 के जो है 2 ड्राइवर और अटेंडेंट है वो इसमें शामिल थे। उन्होंने ही जो है वहाँ गाड़ी धोने के बहाने गाड़ी वहाँ पर ले गए और इन्होंने जो है पुलिस को झूठी सूचना दी। और विधायक मुख्तार अंसारी की मौत के बाद बड़े बेटे अब्बास अंसारी को सुप्रीम कोर्ट से पिता की कब्र पर फातिहा पढ़ने की इजाजत मिलने के बाद अब्बास अंसारी को कासगंज जेल से गाजीपुर जेल पहुंचाया गया है। जानकारी के अनुसार आज वो गाजीपुर के मोहम्मदाबाद में पिता की कब्र पर फातिहा पढ़ेंगे और इस दौरान परिवार के कुछ सदस्य मौजूद रह सकते हैं। रामपुर पुलिस ने 24 घंटे में मासूम बच्ची की हत्या का खुलासा कर दिया है। प्रेमिका ने अपने प्रेमी की 3 साल की बच्ची को बेरहमी से हत्या कर दी है। दरअसल बच्ची दुकान गई थी और उसके बाद घर वापस नहीं लौटी, जिसके बाद बच्ची के पिता ने पुलिस थाने में शिकायत दर्ज करवाई, जिसके बाद पुलिस को बच्ची का शव खाली पड़े प्लॉट में मिला। और आपको बताते चले कि हत्याकांड का खुलासा करते हुए पुलिस ने बताया कि उसी गांव की एक महिला जिसकी बच्ची के पिता से संबंध था, इसकी जानकारी युवक की पत्नी को चल गई थी और इसे लेकर दोनों महिलाओं के बीच में विवाद हुआ। इसी जलन में प्रेमिका ने मासूम बच्ची को दुकान से टॉफी लेने गई थी, उसको अपने घर की छत से ले जाकर उसका गला दबाकर और बोरी में डालकर घर के पीछे पड़े प्लॉट में फेंक दिया। पुलिस ने आरोपी महिला को गिरफ्तार कर लिया है। और बुलंद आपको बता दें कि फिलहाल खबरों में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए TV 27 न्यूज़।